महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की कंपनी विशेष फिल्म्स की विशेषता है कम बजट में एक बेहतरीन प्रोडक्ट देना। पिछले वर्ष जन्नत और इस वर्ष राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज ने बढ़िया बिजनेस किया था। देखना यह है तुम मिले, जो इनकी नई फिल्म है, दर्शकों के इम्तिहान में कितनी खरी उतरती है। बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मुकेश जी। शुक्रिया। अभी आपने सुना जन्नत, फिर राज और अब तुम मिले, उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए क्या है कि इस फिल्म में एक हमने एक नया एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। हिंदुस्तान में कभी किसी ने एक नेचर की डिजास्टर पर कोई फिल्म बनाई नहीं। 26 जुलाई 2005 में पूरा शहर डूब गया था, मगर ये कहानी एक आउटवर्ड स्टॉर्म की नहीं है, ये एक लवर्स की जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको एक मिसमैच करके हमने फिल्म बनाई है। एक लवर्स की जो एक ट्रॉमा है, जिन जो सेपरेट हो चुके हैं और फिर वो उनकी मुलाकात होती है उस शहर में, उस भयानक रात 26 जुलाई की जब पूरा शहर डूब रहा था, एंड हाउ दे मीट अगेन एंड वेदर दे मैनेज टू सर्वाइव, दैट इज द स्टोरी। राइट, यानी कि मुंबई में जो तूफान आया था, बाहर भी तूफान है और दिल में भी एक तूफान, अंदर ही तूफान और बाहर का तूफान दोनों मिलता जुलता है। सही बात है, वेरी ट्रू। यू नो बट अभी भी आपने कहा कि हिंदुस्तान में इससे पहले कोई डिजास्टर पे या कोई कैलामिटी पे फिल्म नहीं बनी है, तो आपने फिल्म बनाने का कैसे सोचा? देखिए हमें जरा कुछ थोड़ा पंगा लेने का शौक है। एक बोलते ना कि आप जानते हैं कि पहला आज शख्स कौन था जो एवरेस्ट क्लाइम किया, फर्स्ट मैन ऑन मून कौन था, सेकंड को नहीं जानते आप, तो वी ऑलवेज लाइक टू बी द फर्स्ट। कोई भी चीज वेंचर आउट करना है तो भट्ट ब्रदर्स हमेशा फर्स्ट होती है, एंड वी टेक ग्रेट प्राइड एंड एक्साइटमेंट कि भाई हमने ये ट्रेंड शुरू किया एक डिजास्टर मूवीज का, एक जो होता है विद द लव स्टोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खाली डिजास्टर फिल्म नहीं है, इसकी बेसिक ड्रामा जो है ह्यूमन ड्रामा है, इसका लव स्टोरी ऑफ लिविंग कपल्स। जो लिविंग कपल्स का मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है वो शादीशुदा कपल से 10 गुना ज्यादा होती है, बिकॉज शादी एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, बट इन अ लिविंग रिलेशनशिप यू कैन वर्क आउट एनी टाइम ऑन योर पार्टनर, देर इज नो लॉ अबाइडिंग ऑन यू। तो इनसिक्योरिटी लवर्स की जो लिविंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं उनकी इनसिक्योरिटीज उनकी ट्रोमास 10 गुना ज्यादा होती है, और ये हमारा फिल्म का थीम है। और जब कुणाल देशमुख ने आपको आके कहा कि वे मुंबई में जो फ्लड्स आए थे उस पर फिल्म बनाना चाहते, उस थीम पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते, तो आपका रिएक्शन क्या था? देखिए ये जो उसके पास ये जो आइडिया था, हाँ जी, वो जन्नत से पहले था। राइट। और जब उसने मुझे आइडिया सुनाया तो मैंने बोला आइडिया इंटरेस्टिंग है बेटा, मगर फॉर योर फर्स्ट फिल्म आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू मेक दिस बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस फिल्म, इसको बनाना कोई आसान खेल नहीं है। I feel that you should take a try another subject and then make this film later. तो फिर उसने जाके जन्नत बनाई और जन्नत बहुत बड़ी हिट हुई। जन्नत हिट होने के बाद फिर मेरे पास आया, बोला कि आपने मुझे याद है आपने कहा था, तो मैंने मुस्कुराया, मैं बोला हाँ तुम्हें वही फिल्म बनानी है? बोला हाँ मुझे वो बनानी है। ऐसे देखो द फैक्ट दैट यू द फिल्म हैज नॉट बीन फॉरगॉटन इन योर माइंड, उसके अंदर एक रिकॉल है, मतलब जेन्युइनली यू हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, तो मैंने बोला बनाऊँ। तो उसके बाद उसने ये फिल्म बनाई और जिस लगन से उसने फिल्म बनाई, मैं कहना चाहूँगा कि ये कुणाल की एक लगन, इमरान हाशमी की लगन और सोहा की लगन के बिना ये फिल्म बन नहीं सकती, क्योंकि इसमें 40-45 दिन आप छाती भर तक पानी में डूबे हुए, इतने पानी डूबे हुए 12-12, 16-16 घंटे कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। एंड दे डिड इट सो वेल, मतलब पूरी यूनिट ने जितनी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में, मैं लगता है मुझे आज मैं 50 फिल्म्स के ऊपर बना चुका हूँ, मेरी कोई फिल्म में इतना मेहनत हमारी यूनिट ने किया नहीं हो जितना इसमें किया। यू नो अभी अभी आपने कहा कि 16 घंटे पानी में खड़े रहना, यहाँ तक जो चेस्ट तक आपके पानी आता है, और ये आपने तकरीबन 45-50 दिन किया होगा। हाँ जी। राइट ना, पहली बात तो मुंबई में वैसी जगह ढूंढना ताकि इसका सेट लगाया जा सके, दूसरा पानी इतना इकट्ठा करना ताकि उस सेट में लगे कि फ्लड आया हो, ये दोनों चूज करने में बहुत टफ रहा होगा आपके लिए। नानी याद आ गई हमें, क्योंकि एक तो मुंबई शहर को रिक्रिएट करना, उसकी सड़कों को बनाना, तो कोई स्टूडियो के पास वो डायमेंशन ही नहीं थे सेट लगाने के, तो हमने जाके बॉलीवुड में एक फैक्ट्री गोडाउन ढूंढा जो बहुत बड़ा वेयर हाउस है, वहां जाके हमने 400 फीट के उसमें हमने एक रिक्रिएट किया, या हमने पूरी बिल्डिंग खड़ी की, हमने पूरा सीमेंट का काम किया क्योंकि पानी भरना था। मोर देन 10 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर
कुछ 45,000 ट्रक्स आए जो पानी को, क्या पानी को लाभ डालते हो, जमीन कितना भी आप वाटर प्रूफिंग करो वो चूस लेती है, तो उसको घड़ी घड़ी रीफिल करना पड़ रहा था हमें। तो हमको, हम लोग मतलब ये करते करते हमारी हालत बुरी हो गई थी, इतना पानी भी कहाँ से लाना। तो कर्जत से पानी आता था, कभी कभी ऑटो बॉम्बे से हम पानी ट्रक से मंगाते थे ताकि वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करे। वो नहीं सिवाय उसके अलावा हमको प्रिकॉशन लेने पड़ते थे क्योंकि फिल्टरेशन के पानी स्टैग्नेट होके वो बीमारी फैले नहीं, बीमारी फैल जाती। हाँ, तो 24 फिल्टर पंप्स लगाए हमने खरीद के, फिर क्लोरीनेट किया उसको ताकि कोई किसी को बीमारी नहीं हो। फिर उसके बाद फिर ये डर भी होता था क्योंकि बारिश वारिश भी क्रिएट करना था, तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक से कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारे पास एक डजन डॉक्टर खड़े होते थे रेडी एनी टाइम, कुछ भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो तो। प्लस सबके लिए हमने एक स्पेशल वाटरप्रूफ सूट बनाए वो पहन के, ताकि क्या है कि आप पानी में अगर 16 घंटे रखोगे अपने हाथ को तो आपकी चमड़ी सड़ने लगती है, तो उससे भी बचना है, इलेक्ट्रिक्यूशन से बचना है। तो इतना प्रेप वर्क करना पड़ा हमें जो कोई फिल्म में इतना एक रिक्वायरमेंट, इतनी डिमांडिंग रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मगर हमने ये ठान लिया था कि हम ये चैलेंज को लेंगे और कामयाब होंगे। और टचवुड ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि पूरी टीम जो हमारी टेक्निकल टीम थी, हाँ जी, वो इतनी कमिटेड थी, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। बट यू नो आपने कहा पानी और वो जगह के अलावा यहाँ पर कई गाड़ियां भी आपको डुबानी पड़ी होगी। हमको गाड़ियां खरीदनी पड़ी क्योंकि मैं वही पूछने वाला था, हम भाड़े पे गाड़ी ले सकते थे क्योंकि भाड़े पे गाड़ी लेके वो पानी पर इतने अपना 4 फुट 5 फुट पानी में तो गाड़ी की सत्यानाश हो जाए। तो हमको सेकेंड हैंड गाड़ियां, कुछ 50 गाड़ियां खरीदी हमने और उसको पानी में डाला हमने, क्योंकि गाड़ी को खाली पानी में डालना नहीं, उसको थोड़े से आस्ते आस्ते चलना भी है, चलना भी है। तो वी हैड टू बाय अ मूविंग कार, फंक्शनल कार, ऐसा नहीं कि पूरा जंक वाली गाड़ी को खरीदो। तो इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म यह है अभी तक, क्योंकि ये सब कॉस्ट जो है ये दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स हमको क्रिएट करने थे स्टॉर्म के, और पूरी सड़क, अब सड़क जो भरी हुई है पानी से, लोग सड़क पे है, तो वो हमको रिक्रिएट करना था। तो BST बस पानी में, ऑटो रिक्शा पानी में, टैक्सियां पानी में, तो ये सब हमको खरीदनी पड़ी से सब चीजें। सही बात है, वेरी ट्रू। ओके, यू नो इसमें ऑफकोर्स अभी आपने अपने कहा कि इसमें इमरान और सुहा की एक लव स्टोरी भी, एक अंदर भी एक तूफान है जो इस फिल्म में दर्शाया गया है। पर हमने अक्सर देखा और आपकी फिल्मों में से जाना भी है कि आपकी फिल्मों की जो कहानियां हैं वो जिंदगी के पन्नों से ली जाती है, रियल स्टोरीज होती है। तो क्या जो इमरान और सोहा की स्टोरी भी है, क्या वो कहीं ना कहीं कोई किसी पात्र से या कोई कहानी से इंस्पायर्ड है? जो कुरान ने कहा था कि देयर वाज अ कपल जो वहां एक सिमिलर सिचुएशन हुआ था पानी में, एंड इट इज समवेयर कनेक्टेड रिमोटली टू देयर स्टोरी कि दे हैड सेपरेशन हो गया था और बाय चांस दे मेट देयर, ओके, एंड हाउ दे केम टुगेदर, ओके, दैट फेटफुल नाइट, हाउ नेचर व्हेन दे कंफ्रंटेड डेथ दे रियलाइज दैट इट्स स्ट्रेंज व्हाई यू फाइट व्हेन लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर लव। ओके, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि भट्ट साहब ने जो फ्लड्स के सीन है वो थोड़े टोन डाउन किए ताकि लव स्टोरी को ज्यादा अहमियत दी जा सके, सही है? देखिए, हम हमेशा एक चीज पे बिलीव करते हैं कि फिल्म आप बेसिकली अ प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन ड्रामा, people are interested in seeing people, not anything which is synthetic or plastic. खास करके हिंदुस्तानी ऑडियंस are emotional people. जब तक आपको फिल्म छूती नहीं, रुलाती नहीं, हंसाती नहीं और एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आती अंदर आपके अंदर, तो वो फिल्म में मजा नहीं आता है। तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द ह्यूमन ड्रामा मोर, द स्टॉर्म विद इन यू, बाहर का स्टॉर्म इज अनदर काइंड ऑफ अ सिमिलैरिटी। तो बेसिक ड्रामा जो है इन दोनों 11 कपल्स का है। 26 जुलाई अगर आप याद करते हैं तो क्या आप भी फ्लड में? मैं फंस गया था फुल नाइट में, अपने को मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि मैं ऑफिस में फंस गया था और मैं अपने वाइफ से बात भी नहीं कर पाया क्योंकि ऑल द लाइन्स वर गॉन एंड देयर वाज नो वे। लकीली माय सन हु वाज इन न्यूयॉर्क, विशेष, उसने मुझे फोन किया, न्यूयॉर्क से लाइन कनेक्ट हुई मगर लोकल लाइन नहीं हो रही थी कनेक्ट। तो मैंने उसे कहा कि भाई प्लीज, उसको इंटरनेट पे पता लगा कि मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आया, तो मैंने उसके बोला बेटा फोन करके मम्मी को बता दे कि मैं यहाँ हूँ, सेफ हूँ, नॉट टू वरी। और पूरी रात मुझे बिगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पे रहना पड़ा और नेक्स्ट मॉर्निंग
जैसे डॉन सूरज निकला सुबह, तो मैं पैदल जुहू से लेके बांद्रा मैं रहता हूँ वहाँ, मुझे पैदल जाना पड़ा क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, और मुझे कुछ 5 घंटे लगे पैदल जाते जाते। और उस वक्त जो मैंने देखा पूरा शहर कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहा था, वॉज द मोस्ट मूविंग थिंग। द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ मुंबई वॉज अमेजिंग, और हमने वो मुंबई की स्पिरिट को हमने कैप्चर किया, क्योंकि हर एक बंदा जो किसी को जानता भी नहीं है वो जिस तरह से लोगों को हेल्प करने को वो आगे बढ़ा, उसे कॉफ़ी चाय पिलाना, बिस्किट खिलाना, एक अपनापन दिखाना, तो हमने वो इमोशन को कैप्चर किया तुम मिले में। यू नो, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपकी फिल्म को टाइटैनिक के साथ कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि टाइटैनिक भी एक डिजास्टर फिल्म थी। ऑफकोर्स उसकी स्टोरी अलग थी, एक शिप की कहानी थी, एक क्रूज की कहानी। प्रॉब्लम नहीं आता टाइटैनिक से कंपेयर किया जाए, क्योंकि अगर ये टाइटैनिक हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, इसी बड़ी हिट और क्या हो सकती है। मगर इसका कुछ कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि ये लिव इन कपल्स के बारे में है। टाइटैनिक में वो लिव इन कपल्स थे ही नहीं, टाइटैनिक रैंडम स्ट्रेंजर्स थे, ये इनकी लिविंग कपल्स की एक रिलेशनशिप है जो पार्ट होते हैं फिर 6 साल बाद मिलते हैं। तो अगर आप जब फिल्म देखोगे, हाँ जी, आपको ऐसी कोई भी सीन या सीक्वेंस या कोई आपको टाइटैनिक से मिलता जुलता नहीं मिलेगा, टोटली डिफरेंट। ओके, यू नो, आपने इमरान हाशमी को बड़े पर्दे पर जन्म दिया है, फुटपाथ से लेकर अब तुम मिले तक। आपको क्या लगता है इमरान कितना इवॉल्व हुए हैं एज एन एक्टर? बहुत ज्यादा एज एन एक्टर, और उसकी इम्प्रूवमेंट और इन्वॉल्वमेंट कुछ अबाउट 100% हुई है, और मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ये आप मेरी बात नोट करिए कि दिस ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट हीरोज ऑफ टुमारो, ही इज वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जितनी सोलो हिट्स इमरान हाशमी ने दिए शायद किसी ने दी होगी। वेरी ट्रू। ये आपके जो ऊपर के जो सो कॉल्ड बिग स्टार्स हैं, माफ करना, उनसे ज्यादा सोलो हिट्स इमरान हाशमी ने दिए, तो ही इज अ मोस्ट इनफैक्ट अंडररेटेड अंडर एस्टिमेटेड अंडररेटेड एक्टर। एब्सोल्युटली। मैं एक बार बताऊं, मैं अभी गया था फिलहाल दो चार शहर में जो हमारी टीम के साथ, कैलकाटा में जिस तरह से वो मॉब हुआ था, उसके शर्ट फाड़ दिए लड़कियों ने, इट जस्ट ट्राई टू ग्रैबिंग। सो उसकी जो फॉलोइंग अभी जो पैन इंडिया है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड यू सडनली फाइंड दैट सडनली इट इज डॉन टू एवरीबडी, जैसे अक्षय कुमार के साथ हुआ था, कि इट टुक हिम टाइम, बट देन ही रीच द पिनाकल विच ही डिजर्व टू रीच। इमरान हाशमी से वही होने वाला है। वॉट अबाउट सोहा अली खान, इमरान और सोहा की जोड़ी, ये पहली बार आपका सोहा का परफॉर्मेंस आप देख के झटका खा जाओगे कि क्या बिचारी लड़की को किसी ने वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं अभी तक, इसलिए शी कुड नॉट कम टू हर एलिमेंट्स। आप जब तुम मिले देखोगे, जब लोग देखेंगे तुम मिले तो बोलेंगे अरे ये सोहा अली खान ऐसी है, ताजुब कर लोगे। शी इज ब्रिलियंट, शी इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, दिस इज हर बेस्ट फिल्म। पीपल विल डिस्कवर सोहा अली खान एज एन एक्टर इन तुम मिले, शी इज द सरप्राइज पैकेट ऑफ तुम मिले। वॉट अबाउट कुणाल देशमुख, उनकी पहली फिल्म जन्नत तो बेहद कामयाब हुई थी, आपको लगता है इस फिल्म में वो एक कदम आगे बढ़े हैं? एज अ डायरेक्टर 10 कदम आगे वो बढ़ा हुआ, जिस मेच्योरिटी से उसने इतना इंटीग्रेट और डेलिकेट सब्जेक्ट को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। देखिए क्या एक्शन फिल्म बनाना बहुत आसान है, हॉरर फिल्म एक्शन फिल्म, ये जो लव स्टोरीज होती हैं जिसमें मल्टी लेयर ड्रामा चलता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट टू गो ओवरबोर्ड। यस, टू मेंटेन दैट सुर कंसिस्टेंटली इज अ वेरी टफ जॉब। जो डायरेक्टर्स जिन्होंने 15-20 पिक्चरें बनाई वो मेच्योरिटी उस वक्त आती है, जैसे महेश भट्ट जो मेरे ब्रदर है, उन्होंने बनाई थी दिले के मानते नहीं हमें रहे प्यार के, आफ्टर मेकिंग 20 फिल्म बिफोर दैट। ये सेकेंड फिल्म में ये अटेम्प्ट करना कोई आसान बात नहीं है, फॉर विच आई वुड गिव 100% मार्क्स टू कुणाल, कि जिस मेच्योरिटी से उसने, कोई बोल नहीं सकता कि डायरेक्टर की सेकेंड फिल्म है। So as a director, he has excelled himself beautifully. What next? अभी आप सुना है राज 3 बनाने वाले हैं? हाँ, मोहित के साथ बना रहा हूँ। अच्छा। बहुत excited हूँ मैं। But ये थोड़ी देर बात होगी, मोहित कोई और फिल्म बना रहा है अभी, which deals with the racial problem. हम जिंदगी से जुड़े हुए हैं और जिंदगी में जो वाकयात होते हैं उससे उसको लेके उसको फिक्शनलाइज करके हम फिल्म बनाते हैं। तो ये जो ये मेजर प्रॉब्लम जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, तो उस पे एक टॉपिक लेके हम फिल्म बना रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। और एक मैं एक नए डायरेक्टर को मैंने साइन किया, मुकुल मिश्रा, एंड आई एम मेकिंग अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी ऑन द नेक्सल प्रॉब्लम।
ऑफ अवर कंट्री. ओके, ये जो नेशनल मूवमेंट जो शुरू हुआ है उसका एक वॉलपेपर लेके और एक वेरी इंटरेस्टिंग डायनेमिक लव स्टोरी. देखिए, आप जिंदगी से अगर कुछ लेके उसको पर्दे फिल्म पे ले आते हो तो लोग कनेक्ट करते हैं उसके साथ, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है. सो इट हैज इट्स न्यू डायमेंशन, न्यू चार्म, एंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग फिल्म्स व्हिच आर क्लोज टू लाइफ. फाइनल वर्ड्स ऑन तुम मिले, दर्शक की फिल्म क्यों देखी, क्या खासियत है और दर्शक या मैं ऑडियंसेस ये फिल्म इसलिए देखनी चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो देखें. एक तो इसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ है एंड एवरी सॉन्ग इज अ बिग क्रेज. एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है और लिव इन रिलेशनशिप पे इतनी सेंसिटिव फिल्म आज के जमाने में किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं की है और ये बहुत अच्छी तरह से कुणाल देशमुख ने बनाई है. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक लिव इन रिलेशनशिप का ड्रामा, एक स्टॉर्म विद इन विद द स्टॉर्म आउटसाइड, ऐसा कॉम्बिनेशन हिंदी पर्दे पे कभी तक आया नहीं है ना नियर फ्यूचर में आएगा मुझे लगता है. सो इट्स अ मूवी वर्थ एक्सपीरियंसिंग, आई वुड से.